आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ दिया है। मुझे पता है मैं ये लेक्चर लेट कर रहा हूँ दोस्तों, एक दिन पहले की न्यूज है, वीडियो मैंने देखा, बट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो ज्यादा लेक्चर मैं दे नहीं पाया। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है उनके स्टैचू को तोड़ दिया है। महाराजा रंजीत सिंह मेरे आइडल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इतिहास में लोग हैं। इन्होंने जो किया, देखिए सिखों का इतिहास मैंने पूरा कवर किया, बहुत सारे लेक्चर्स लिए मैंने। तो सिखों के इतिहास की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह ने, जिन ये पंजाब के फाउंडर हैं, इन्होंने ही पूरे पंजाब को सारी मिसाल्स को एक किया। और 1799 में महाराजा रंजीत सिंह 19 साल के थे, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने पंजाब की माइटी सिख एम्पायर की नींव रख दी। सिख एम्पायर जिसको बोला जाता था, इतना तगड़ा एम्पायर था, इतना तगड़ा कि अफगानिस्तान तक महाराजा रंजीत सिंह की पहुंच थी। शेर ए पंजाब इनको बोला जाता है, शेर रहे हैं भाई। और ऐसे थे ये, चिकन पॉक्स हुआ था इनको, तो स्मॉल पॉक्स हुआ था तो इनकी आंख डैमेज हो गई थी। लेकिन इनकी जो कहानी है, मैंने इनकी बायोग्राफी रिव्यू की, शानदार है। अब ये तहरीके लबैक पार्टी जो कि पाकिस्तान की बहुत ही कट्टरपंथ पार्टी है, जिसने पूरे पाकिस्तान को भी अप्रैल में ही रोक सा दिया था, खत्म कर दिया था, लाहौर को पूरा एकदम बंदी बना लिया था और इमरान खान इनके आगे झुक गए थे, इन नाकारों ने महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू जो है वो गिरा दिया। पाकिस्तान के अंदर खुद भी गुस्सा है, जो पाकिस्तान के जो पुलिस है, जो पाकिस्तान, वो खुद कह रहे कि जिसने ये किया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अनपढ़ गवार की फौज, यहाँ पे जो कमिश्नर, उन्होंने कहा कि अनपढ़ गवारों की फौज जो है पाकिस्तान के कमिश्नर, वो बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। और आप वीडियो में भी देखेंगे तो जैसे ही इनको, इनके स्ट्रैटेजी को तोड़ा गया, तीसरी बार तुरंत उस आरोपी को पकड़ा गया। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस इंसिडेंट की। सबसे पहले तो रंजीत सिंह का, महाराजा रंजीत सिंह का जो स्टैचू है वो तोड़ा गया, और लाहौर कैपिटल थी, लाहौर फोर्ट में ही ये थे, लाहौर इनकी कैपिटल थी, बहुत बड़ा लाहौर में किला है। तो वहां पे महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब है ना, देखिए एक भारत का पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है। पहले 1947 से पहले पंजाब बहुत बड़ा था, तो लाहौर ये रहा आपका, लाहौर कैपिटल है पंजाब की, और ये फैसलाबाद और ये सब पंजाब में ही आते हैं। ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की कैपिटल, और यहां आपको लाहौर पे ही लाहौर फोर्ट मिलेगा, काफी घूमने वाली जगह है। तो हुआ क्या कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने, के वर्कर ने महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, आप वीडियो देखेंगे, ऐसे वो चढ़ा और उसने तोड़ दिया और तुरंत उसको फिर पकड़ लिया गया। तीसरी बार जो है महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू इस तरीके से वैंडलाइज किया गया है। 9 फीट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू है ये, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है। सिख एम्पायर को, सिखों का इतिहास बहुत अच्छा रहा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद, उसके बाद सिखों की हालत बहुत बुरी होगी, फरुखसियार और उसके बाद जितने मुगल रूलर्स आए, औरंगजेब के भी समय में सिखों की हालत पूरी मिलिट्री में वो तब्दील हो गई थी, धर्म को बचाने के लिए उनको ये करना पड़ा। फिर उसके बाद सिख जो है, सिखों ने जंगलों में पना ली, 1740-50 आते आते सिखों की हालत बहुत, जहां पे सिख मिले मारो उनको, मारा काटा जाता था। फिर उसके बाद लीडर्स का उदय हुआ और महाराजा रंजीत सिंह में बहुत ताकतवर लीडर थे। तो अब जब महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को वैंडलाइज किया गया और भारत को यह पता चला, तो भारत ने इसको बहुत ही, इसकी कड़ी निंदा की, कि बोला कि पाकिस्तान कंप्लीटली फेल हो चुका है इस तरीके का टैक्स को प्रिवेंट करने में, डर का माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए, नकारे हैं ये, एकदम बकवास, घटिया, दो कौड़ी की हरकत है। मुझे बड़ी गुस्सा आई, बहुत गुस्सा आई। वीडियो क्लिप जो आप देखेंगे ना, स्लोगन्स, ये नारे लगा रहा था, बड़े बड़े तेज तेज नारे लगा रहा था, और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह गिरे तो टीएलपी एक्टिविस्ट जिसने ये किया, तुरंत पंजाब पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया गया। लाहौर फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, मैंने कमिश्नर बोला था, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद चौधरी का, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो अनपढ़ गंवार हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं देश की इमेज के लिए इंटरनेशनली। बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कम से कम उन्होंने इस बात को समझा कि हाँ यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शाहबाज गिल जो कि स्पेशल असिस्टेंट है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, उन्होंने बोला कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा इस तरीके का, क्योंकि देखिए भगत सिंह हो गए, महाराजा रंजीत सिंह हो गए, पाकिस्तान में भी इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, भगत सिंह के नाम पे बहुत सारी गलियां हैं, पाकिस्तान में भी इन लीडर्स को बहुत ऊपर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई पाकिस्तान का जो पंजाब है वो महाराजा रंजीत सिंह की बदौलत है। तो इस तरीके की हरकत जो है वो सभी को क्या कहते हैं कि दुखी करती है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो इस तरीके की जो हरकत है ये बीमारी है, ये दिमागी रूप से बीमार है,
और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। स्टैचू को जो जून 2019 में अनवील किया, और ये पहली बार नहीं जब स्टैचू को तोड़ा गया, इससे पहले दो और बार तोड़ा जा चुका है। अगस्त 2019 में भी दो लोगों ने इसको तोड़ दिया था। तो ये चीज आप भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वॉयलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। हमने डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स देखी है कि महाराजा रंजीत सिंह तीसरी बार इस तरीके का तीसरा इंसिडेंट है 2019 से लेकर अभी तक, कई बार इनको तोड़ा गया है, ये सही नहीं है। और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। 12 दिन पहले ही मॉब ने अटैक किया था हिंदू टेम्पल को, मैंने बताया था वो, फिर उसके बाद वो उस पूरे उसकी मरम्मत भी की गई थी रहीम यार खान पाकिस्तान में, हिंदू टेम्पल इन रहीम यार खान इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान स्टेट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो ये कहना अरिंदम बागची का, ये है, ये वो पागल इंसान है जिसने ये कृत्य किया, ऐसे इसको भी तोड़ देना चाहिए था। बहुत बड़े रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने सिख एम्पायर को पूरा इंटीग्रेट किया, और 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, तुरंत यहाँ पे दो एंग्लो सिख वॉर हुए 1846 में और फिर 1848 में, और हम ये देखते हैं कि सिख एम्पायर जो आखिरी सबसे बड़ा एम्पायर था वो भी ब्रिटिशर के कब्जे में आ गया। महाराजा रंजीत सिंह जब तक थे तब तक किसी की औकात नहीं थी कि सिख एम्पायर के ऊपर आंख भी उठा दे। इनको शेरे पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। ये पहले महाराजा थे सिख एम्पायर के। ऐसा 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली बैटल लड़ी थी, और उसके बाद बहुत सारी बैटल्स लड़ी है। अफगान्स को इन्होंने खदेड़ दिया था। 21 साल की उम्र में ये महाराज बन गए थे, और 1799 से लेकर पूरा 1839 तक इन्होंने रूल किया। 58 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और इन्होंने एक तरीके से जितनी भी मिसाल्स थे जो कॉन्फेडरेसी थी उनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है, ये लेक्चर था। इस तरीके की खबरें जो है वो दुखी करती हैं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा, ये भी आप देख लीजिए, लाहौर फोर्ट जो है उसको शाही किला या रॉयल फोर्ट भी बोला जाता है, और इसीलिए इसको बनाया गया था ताकि नॉर्थन वेस्टर्न एंट्रेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए ऐसा था ना कि पाकिस्तान के लाहौर से और इधर पूरा पेशावर होते हुए काफी अटैक होते थे भारत पे। तो बलबन ने शुरू किया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यहाँ पे किला बनाओ, मंगोल्स काफी अटैक करते थे, उनको चेक करने के लिए यहाँ पे किला बनाया गया ताकि अटैक ना हो सके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी घूमने लायक जगह है, और 1981 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तब काफी डोनेशन और इनको काफी पैसे भी मिले हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इस तरीके से। तो जैसे मुगल एम्पायर, लाहौर फोर्ट जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का ही, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह रहते थे, फिर ब्रिटिश के पास आया, फिर पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, जाएं आपको डाउनलोड करें और कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।